मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी आवर न्यू चैप्टर हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट मीन्स आवास एंड एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन, यानी किसी प्लेस पर रहने के लिए उस प्लेस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज करना एडेप्टेशन कहलाता है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ए हैबिटेट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनिज्म विद न्यूट्रिशन, शेल्टर एंड सुटेबल कंडीशन टू लिव एंड ब्रीव। हैबिटेट ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन, शेल्टर एंड सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। हैबिटेट इज ऑफ टू टाइप्स, दे आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय एंड एक्वाटिक मीन्स जलीय, यानी वे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल में आते हैं, एंड वे ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडीज में रहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हैबिटेट ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। डिपेंडिंग ऑन द लिविंग कंडीशन दे आर ऑफ मैनी टाइप्स। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इन ग्रास के मैदान। द रीजन इज कवर्ड विद टॉल ग्रासेस, स्मॉल ट्रीज एंड श्रब्स। इट इज यूजुअली विंडी एंड ड्राई। टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द ईयर वेरियस फ्रॉम द 50 टू 90 सेमी। सेम ऑफ द एनिमल डेट कैन बी फाउंड हियर आर जेब्रा, गजेली, जिराफ, डियर, टाइगर एंड लॉयन। ग्रासलैंड के अंदर जनरली लंबे लंबे घास के मैदान, छोटे पेड़, श्रब्स वगैरह आते हैं, और ये ड्राई एरिया होता है। इनका जो टेम्परेचर रेंज है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जनरली इनमें जो रेनफॉल है वो एवरेज होती है, और इस वाले ग्रासलैंड के अंदर जनरली जेब्रा, जिराफ, डियर, टाइगर, लॉयंस वगैरह मिलते हैं। देन अनादर इज पोलर रीजन। दिस हैबिटेट इज फाउंड इन द आर्कटिक इन द नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिका इन द साउथ पोल। ये जो हैबिटेट है आर्कटिक पोल, नॉर्थ पोल में आर्कटिक से साउथ पोल में अंटार्कटिका तक के बीच का पाया जाता है। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड हियर, यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, अत्यधिक ठंडा इलाका है। इट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, और ये जो हैबिटेट है पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री, और इसका टेम्परेचर -37 डिग्री तक चला जाता है। जनरली इस रेंज में जो एनिमल्स आते हैं वे होते हैं पोलर बियर, सील्स, वॉलर्स एंड पेंगुइन्स। माउंटेन्स। माउंटेन आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंडी। माउंटेन जो एरिया है वो जनरली अत्यधिक ठंडा और हवादार होता है। सम रीजन्स एक्सपीरियंस स्नोफॉल टू, और कई इलाकों में स्नोफॉल भी होती है। प्लांट्स आर टॉल एंड कोन शेप्ड। यहाँ के प्लांट्स कोन शेप्ड होते हैं, उनके पीछे रीजन यही होता है कि उनके ऊपर जब स्नो गिरती है तो अपनी स्नो को वो नीचे गिर जाए, लैंड के ऊपर गिर जाए, उनके ऊपर स्टोर नहीं हो। एनिमल फाउंड हियर आर यॉर्क, माउंटेन गोट एंड शीप। फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर लैंड कवर्ड विद डेंस ट्रीज एंड प्लांट्स। इट इज द ग्रीन कवर ऑफ द प्लेनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन लंग्स। द हैबिटेट यूजअली हर्बीवोर, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट शो डाइवर्स एडेप्टेशन टू सर्वाइव। फॉरेस्ट आर क्लासीफाइड इन टू 3 डिफरेंट टाइप्स। फॉरेस्ट जंगल। जंगल जनरली घने पेड़ों पौधों से कवर इलाका होता है। यहाँ पे जनरली हरियाली होती है, इसीलिए इसको हम हरा ग्रह भी कहते हैं और ग्रीन लंग्स भी कहलाते हैं। लंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, और ग्रीन प्लांट्स हमें प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। फॉरेस्ट को हमने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिकल ऑफ कार्पिकॉन ऑफ द साउथ एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैंकर ऑफ द नॉर्थ। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है वो जनरली इक्वेटर के ऊपर सिचुएटेड होता है, जनरली कार्पिकॉन ऑफ द साउथ एंड द ट्रॉपिकल ऑफ द नॉर्थ पोर्शन के मिड में सिचुएटेड होता है। इट एक्सपीरियंस हाई एवरेज टेम्परेचर
ऑफ 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जनरली हाई होता है, उसका 20 to 35 डिग्री तक इनकी रेंज होती है। एंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर तक होती है। द रीजन डेट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल आर नॉन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वह इलाका या वह क्षेत्र जहाँ पे अत्यधिक मैक्सिमम रेनफॉल होती है वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। दीज रेन फॉरेस्ट आर होम टू ओवर हाफ द वर्ल्ड स्पीसीज, और ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं जनरली वर्ल्ड के अंदर जितनी स्पीसीज है उनके हाफ से भी अधिक का ये होम होता है। इट मीन्स इन एरिया में वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज मिलती है। जनरली इन एरिया में कौन कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं, तो वी टॉक अबाउट द प्लांट्स डेट आर फाउंड हियर, ऑर्चिड्स, वाइन्स, मॉसेस, फर्न्स एंड एवरग्रीन ट्रीज। एंड एनिमल्स आर जुगार, टाउकेन, एलिफेंट्स, किंग कोबराज, एप्स, हॉर्नबिल्स, पैरट एंड स्लोथ। तो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं। इन एरियाज में रेन फॉलिंग हाईली लेवल पे होती है। अब सेकंड जो टाइप है रेन फॉरेस्ट का वो है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट फ्लॉरिश मोस्टली इन नॉर्थन हेमिस्फीयर कवरिंग नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थन एशिया, सेंट्रल यूरोप। ये जनरली जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के कवरिंग एरिया यानी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ एशिया और सेंट्रल यूरोप में पाया जाता है। द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द ईयर मेजर्स 150 सेमी। यहाँ पे जो रेनफॉल है जनरली वो 150 सेमी तक इनकी मेजरमेंट होती है। द ट्रीज डेट कवर्स दिस फॉरेस्ट आर डेडुलियस, और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं जनरली वो डेसीडवीस होते हैं, इट मीन्स पतली शलाकाओं के रूप में। प्लांट्स फाउंड हियर ओक, पाइन, एल्म, मैपल एंड ब्रीचर्स। एनिमल्स फाउंड हियर चिमपोंक, कोगार्स, कोयोट्स, जैन पांडास एक्सेट्रा एंड वेरियस अदर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड टिंगा, बोरियल फॉरेस्ट को जनरली हम टिंगा बोलते हैं, एंड फाउंड इन कनाडा, चाइना, मंगोलिया, स्कैंडिनेविया एंड नॉर्थन जापान। द एनुअल एवरेज रेनफॉल मेजर्स द मैक्सिमम ऑफ 100 सेमी, और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसकी रेंज 100 सेंटीमीटर तक होती है। प्लांट्स फाउंड हियर कोन बियरिंग, नीडल लिव्ड और स्केल लिव्ड एवरग्रीन ट्रीज सच एज पाइन्स, स्प्रूसेस। जनरली यहाँ जो प्लांट्स होते हैं इनकी लीव्स नीडल शेप होती है, उनके पीछे लॉजिक यही होता है कि इनके ऊपर वाटर स्टोर ना हो। एनिमल फाउंड हियर रैबिट्स, बियर्स, वोवल्स, ओवल, आउल्स, ब्लेड ईगल्स, मोस, लिंक्स एंड चिमपोंक्स। देन लास्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज डेजर्ट। डेजर्ट आर वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंडी लैंड्स विद सैंडी रेनफॉल। जो डेजर्ट है उसके ऊपर रेतीला इलाका है, रेत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और रेनफॉल बिल्कुल कम अमाउंट में होती है। डेजर्ट आर हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट। जो डेजर्ट्स होते हैं वो दिन के समय गर्म और रात के समय ठंडे होते हैं। पीछे लॉजिक यही है कि जब सनशाइन होता है तो सन रेस सैंड के ऊपर डायरेक्टली पड़ती है, सैंड हीट एब्जॉर्ब करके हॉट हो जाती है और रात के समय ये फास्टली कूलिंग लेती है। सम डेजर्ट्स आर ऑलवेज कोल्ड लाइक द गोबी डेजर्ट इन एशिया, लेकिन कुछ डेजर्ट जैसे कि गोबी डेजर्ट है एशिया में हमेशा ठंडा रहता है। द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा इन अफ्रीका। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड एंड हॉटेस्ट ऑल्सो इज सहारा। द टेम्परेचर टच 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। जनरली यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। प्लांट्स फाउंड हियर आर कैक्टस, डेट पाम्स, एकेसिया।
जनरली यहाँ पे कैक्टस डेट पाम्स वगैरह पाए जाते हैं। पीछे लॉजिक यही है कि इन प्लांट्स को वाटर रिक्वायर बहुत मिनिमम होती है और ये इन इलाकों में इजीली ग्रो हो जाते हैं। एनिमल फाउंड हियर आर कैमल, कंगारू, रैट्स, रैटल स्नेक, स्कॉर्पियन, फेंस फॉक्स एंड आर्मेडियोस। तो ये था हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देन वी विल स्टडी एक्वाटिक हैबिटेट इन आवर नेक्स्ट क्लास।